कमिश्नर काउंसिल को उस चेस्ट में पेन हुआ, यू चल गए हैं डॉक्टर के पास, सिर्फ पास ओवर कर दिया जाए, अभी हो गया, कल किया जाए, नहीं दोपहर में ही निकल गया था। अच्छा, नो ऑर्डर और एग्रीमेंट फॉर ऑपरेटिंग जनरेटर एट नरही पुलिस पिकेट थ्रू द पिटिशनर इज अवेलेबल योर चेस। कमिश्नर काउंसिल को उस चेस्ट में पेन हुआ, यू चल गए हैं डॉक्टर के पास, सिर्फ पास ओवर कर दिया जाए, अभी हो गया, कल किया जाए, नहीं दोपहर में ही निकल गया था। अच्छा, आज भर लॉर्डशिप, दिस इज विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ रेंट, देयर वाज एन ऑर्डर पास्ड ऑन 11/2/2019। यस माय लॉर्ड, एंड फॉर इन कंप्लायंस ऑफ दैट ऑर्डर योर लॉर्डशिप, हैव यू रिलीज द ड्यूज? In compliance of that order, your lordship, the respondent number 6 and 7 has filed the counter affidavit and examined the issue, your lordship. No order or agreement for operating generator at Narhi police picket through the petitioner is available, your lordship. We have stated in paragraph 5 of our counter affidavit, your lordship. Thoroughly examined the records, para 5 in of the counter affidavit filed on 22/7/2019. You say that there was no generator set commissioned? My lord, इनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है, एग्जामिन किया गया कि अगर कोई अगर चलाए हैं, अगर कुछ अवेलेबल है रिकॉर्ड में तो इनका पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन है नहीं। कम टू एनेक्सेस सी एट पेज 10 माय लॉर्ड, पढ़िए उपयुक्त विषय के हम प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा पत्रांक 313 यू आर रीडिंग व्हाट एनेक्सेस सी सी टू रिस्पॉन्ड नंबर 6 आर 6 6 6 एंड 7 6 का पढ़िए पेज 10 पेज 10 मालूम उपयुक्त विषय कनक प्रसंगी पर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि नाड़ी पुलिस पिकेट पर जनरेटर चलाने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञान मंडल सर द्वारा आरा द्वारा नहीं दी गई, जबकि संबंधित याचिका में साक्ष्य के रूप में संलग्न आपके कार्यालय का पत्रांक 607 दिनांक 22/8/2012 जो अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को प्रेषित है में स्पष्ट उल्लेख है कि नाड़ी पिकेट पर भाड़े का जनरेटर रखा गया है, इसका भाड़ा भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा थाना अध्यक्ष सहार द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा जनरेटर चलाया जाता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा संबंधित याचिका एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य के बिना अवलोकन किए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अस्पष्ट रूप से भ्रामक प्रतीत होता है, जो आपके कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है। अतः आपके निर्देश आपको यह निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामले के संबंध में पुनः सभी संबंधित कागजातों का अवलोकन कर आत्म भारित प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया जाए, साथ ही कार्यों में बरती गई लापरवाही के समय कोई नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। एंड देयर आफ्टर योर लॉर्डशिप द रेस्पोंडेंट नंबर 6 हैज एग्जामिन द एंटायर रिकॉर्ड्स योर लॉर्डशिप हियर स्टेटेड इन पैरा 5 year old that it is stated that in the compliance of the direction contained in letter number 347/14/3/2019 the deponent has carefully examined and inquired the official records relative to the project matter. It is stated here that no order or agreement for operating generator at Narhi police picket through the petitioner is available. Neither the block development officer Agyam nor the subdivisional magistrate Sadar Ara has passed any order nor has entered into agreement with the petitioner for providing generator facility at Narhi police picket in between 21/6/2012 to
9/8/2012. And accordingly, by letter 313, that is where the deponent has submitted the required report to your lordship. Supplementary affidavit of response number 6. My lord. Just now we're reading what? Reading counter affidavit filed on behalf of 6 and 7, that is filed on 22/7/2019, your lordship. In compliance of order passed on 11/2019, your lordship. कौन सी डेट का बता रहे हैं आई थिंक इट्स नॉट क्लियर बुजुर्ग 22 साल लास्ट एफिडेविट इज ऑफ 8th अप्रैल 22/7 को बुजुर्ग एक फाइल किया गया वो 22/7/2019 माय लॉर्ड पेश करिए काउंसिल फॉर द स्पॉटेड टू states that he has filed the counter affidavit again on behalf of respondent 6 and 7 my lord on 27 July 2019 my lord the registry is directed to place the same on record. A copy of the same may also be placed additionally by the counsel for the respondent. List again. Did the Giga Dovi come up?